मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज यहाँ पे कर लेती हूँ मैं मॉर्निंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ गाइस। और अभी मैंने कपड़े सुखाए हैं ऊपर, वो भी मुझे नीचे लाना है और मैं थोड़ा बेडशीट पहले बिछा दूँगी गाइस। तो अभी आपसे मिलती हूँ मैं। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? तो चलिए मैं सोचा आपसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी जो था, मेरे तीनों बच्चे गाइस बर्थडे में गए हैं अपनी फ्रेंड के, तीनों बच्चे गए वहाँ पे और वो खाना नहीं खाएंगे, वो खाना वहीं पे खा के आएंगे। और मैं और मेरे हस्बैंड कहीं का किसी का यहाँ का नहीं खाते, क्योंकि देखिए पता है, और आज दिन सैटरडे तो थोड़ा मेरे हस्बैंड का स्पेशल डे होता है। वो बाबा जी की पूजा अपने हाथ से बहुत अच्छे से करते हैं और बहुत मानते हैं बाबा जी को। तो अभी मेरे जो तक घर का गैस क्लीन वगैरह सब कुछ हो गया है और आज तीनों बच्चे भी नहाए थे, मैं हस्बैंड सब नहाए थे और गैस और पूरे कपड़े भी मेरे छत पे हैं। कल के तो मैंने मेरे जो था कपड़े धुले थे कल भी, और गैस आज भी धुले हैं मेरा, थोड़ा अब जाके काम निपटा है। और खाना मैंने गैस आज सुबह ही बना लिया था, और भाई जैसे टिफिन लेके जाता था सुबह मैंने गैस बना लिया था। तो चलिए और बना लेती हूँ मैं थोड़ी सी चाय, आप भी पी लीजिए। और मैंने थोड़ा सा देखिए थक जाते हैं ना, तो चाय पीने से थोड़ी सी ना एनर्जी आ जाती है। तो चलिए और चाय पीने के बाद आपसे मिलती हूँ। गाइज अब मैं बैठ के थोड़ा तसल्ली से, आप भी आ जाइए, चाय पी लीजिए, मेरे साथ एंजॉय कीजिए। और गाइज घर में ना अकेली थी तो इसलिए थोड़ा सा मन नहीं लग रहा था मेरा। और आज मैं ना बच्चों वाले रूम में हो गई हूँ शिफ्ट, पूरे दिन इसी में अपने कमरे में बहुत कम गई हूँ। और उसकी मैंने जो बेडशीट थी वो वॉश कर दी थी, क्योंकि मैंने वो पर्स दो तीन दिन पहले भी छाई थी तो गंदी नहीं हुई थी, मैंने कि उसको वॉश करके फिर उसको बिछा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं और पूरा घर का घर गाइज क्लीन वगैरह हो गई थी, तो अभी मुझे लाने हैं कपड़े। गाइस मेरा जो था घर का पूरा काम निपट चुका है मेरा पूरा, और जो कपड़े भी मैंने धुल के डाले थे छत पे वॉश किए थे आज मैंने, तो वो उनकी मैंने गाइस सारी तह लगा ली है। और अभी पूरा मतलब फिनिश हो गया है मेरा काम। और गाइस हाथ दिन में घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया था और मैंने भी नहीं खाया था, मन नहीं था अकेला खाने का मेरा, कि देखिए होता है जब अकेले खाना नहीं खाया जाता तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो मैंने तो सिर्फ चाय और चिप्स ही खाए थे, और जैसे मैंने आपको बताया था बच्चे बर्थडे में गए थे तो वो बर्थडे में ही खा करके आ गए थे, और हस्बैंड तो अब आज आए नहीं है घर में। और तो मैं अकेली थी, मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लेती हूँ और अब देखते हैं शाम की क्या तैयारी करते हैं खाने में। और गैस आज बच्चों की फरमाइश से है कि मम्मी उनको ना आलू जो क्रश करके पकौड़ी बनाते हैं ना वो उनको चाहिए, मैंने चलिए शाम को बनाती हूँ। तो भी बच्चे गैस खेल रहे हैं। और गाइस आज ना पता नहीं कल लाइट ना अजीब सी कॉम्बिनेशन है, लाइट तो इतनी हैवी है बट तभी ना बहुत धुंधला जैसा आता है। और ये देखिए मेरे यहाँ पे रूम में ना धूप आती है, यहाँ से धूप जब शाम ढलती है ना तो यहाँ पे धूप आती है अच्छे से करके। और मैं अपना देख रही हूँ यहाँ पे टीवी आराम से बैठी हुई, आप भी आ जाइए। तो देखिए, और मुझे ना आपसे बहुत अच्छा लगता है बातें करना, और किस किस को लगता है। और चलिए फिर मैं आपको शाम को मिलती हूँ आपसे, और चाय नाश्ते के लिए रेडी हो जाइए, आप भी आ जाइए शाम के लिए, इनवाइट कर रही हूँ आपको। चलिए फिर मैं आपको शाम को मिलती हूँ।
गाइस मैं आ गई हूँ किचन में यहाँ पे, और चलिए लग जाते हैं प्रोसेस में बच्चों की फरमाइश पूरी करने में। तो देखिए होता है बच्चों का थोड़ा सा मन होता है, छोटी सी भूख होती है। तो चलिए यहाँ पे मैंने ले लिए 4 आलू गाइस, उनको अच्छे से क्रश कर लिया था धुल के अच्छे से वॉश करके। और मैंने गाइस जो छोटी वाली चम्मच होती है ना खाने वाली, मैंने उस 4-5 चम्मच बेसन लिया है, 4-5 बेसन मैंने मैदा लिया गाइस। उसमें नॉर्मल मसाले डाल दूँगी इसमें, जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर और सौंफ, धनिया डालूंगी गाइस इसमें भी, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और नमक अपने अकॉर्डिंग डालिए आप इसमें। और मैंने 2 मिर्च हरी कट करके दोबारा से डाली है इसमें, और जो हरा पुदीन हरा था गाइस उसमें, सॉरी कोई गलत वर्ड बोला जाता है उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और देखिए थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, थोड़ा सा कुछ बोला जाता है तो आप मेरी फैमिली हो तो आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे चलिए तो मैं उनको स्टोर करके रख दी, जिससे कि मेथी होती है ना और पुदीन हरा वगैरह टाइम पे नहीं मिलते हैं, तो उनको मैं सुखा करके अच्छे से स्टोर करके रख लेती हूँ, तो वो टाइम पे काम आ जाते हैं। तो चलिए गाइस इधर मैंने चढ़ा रखी है चाय यहाँ पे, और दूसरा भी प्रोसेस कर लेते हैं। तो ऐसे आप भी ज़रूर गाइस बना के ट्राई ज़रूर कीजिए, और गाइस ज़रूर बताइए आज की वीडियो आपको कैसे लगे। और गाइस अगर थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को मेरे लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो गाइस आप मुझसे मिलोगे कैसे। तो चलिए यहाँ पे हो गया हमारा रेडी नाश्ता, और छोटी सी भूख है तो, और ये देखिए बन के अच्छे से बहुत अच्छे यम्मी लगते हैं गाइस। सॉस के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, बट मेरे बच्चों को सॉस ज़्यादा पसंद है मेरे बच्चों को। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया ऊपर से अमचूर पाउडर डालिए, थोड़ा सा काला नमक डालिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी यम्मी लगते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए चलती हूँ अगली वीडियो में, नेक्स्ट में मिलती हूँ।